और भाई अब कंफर्म हो गया कि सच में आवाज आ रही होगी। और भाई एक एक बंदा ऊपर भी पहुंच गया। ओ भाई चली जा रहा है तो डीके जा रहा है। अच्छी वाली डैमेज करी, अच्छी वाली डैमेज करी एक बंदे की। और भाई डीके ने फर्स्ट ब्लड दी पीटी वकास वकास से जिंदाबाद भी किया यार ने जिंदाबाद। लेकिन तीन बंदे भारी पड़ गए थे काफी हद तक। और एक बंदा लेगा दूसरा डाउन है। और भाई एक बंदा पीटी का यहां से गया शॉट, दो किल मिले इनको एक बंदे के नुकसान पर। और वो लॉन्च पैड यूज करके दूसरी दुनिया में निकल गया। न्यूज अपडेट T50 है नहीं भाई, T50 का कल मैच हो गया ब्रदर। T50 कल थी आज नहीं, जो कल है वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं है। बी के आर्मी आ गई है। ओ भाई आ गई है, किल भी कर गई है, छा गई है। एक के नुकसान पे दो स्कोर करा है, एक विकेट के नुकसान पे दो स्कोर, दो छक्के। बी के कौन सी विकेट गिरी है? बी के आर्मी की, बी के आर्मी कौन सी विकेट गिरी है वो तो लगने में पता चल सकता है, क्योंकि बी के बंदों के नाम नहीं है। बी के आर्मी नाउ दिखाने जाए। वेलकम बीके एम जलील हैदर। ओए होए अब बीके का बोल क्या दिया भाई, अब बीके बीके 40 पॉइंट क्या बात है, दो किल लगे 40 पॉइंट के लिए। बीके आर्मी अभी टॉप पर जा रही है भाई। पठान टाइगर्स ने जो किल हुआ है यासिर वो ग्रुप में आ चुके हैं। ओ भाई वो ग्रुप में आ गया, हद हो गई यार। यासिर आपने बहुत अजीब तरह करा था, बहुत अजीब। मैंने इसको रोका था राशि करना, टीम मेट के साथ रह गया अटैक करने। यही गलती इसकी। मलिक अवान इज वाचिंग, कैन चलो मलिक अवान कमिंग लाइव स्ट्रीम। पाक शाहीन जिंदाबाद। ओके पाक शाहीन अभी जिंदाबाद, अभी पूरी जिंदा सेंटोसा पे लैंड करके वहीं कर रही होगी अभी तो। सेंटोसा छोटा थोड़ी है, राइज अंपायर हाय दिल। कलीम खान बीके क्या बात है भाई, बीके 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 हो रहा है, बीके बीके ये बीके बीके क्या है और भाई गए फिर बताऊंगा। नंबर 2 यहां पे डीएम डीएम वाले कैप्टन जाने का सोच रहे हैं, वापस नहीं जा रहे हैं यार ये लोग, तो मिल जा रहे हैं यार। टीजी से कौन कौन आया है? टीजी से कोई नहीं आया यार, मैच नहीं है। हाँ भी वैसे फिट जगह में आसपास कोई दिख नहीं रहा। अगर नो टीम चलाए 31 बंदे जिंदा हैं, कोई ना कोई पता देखने मिल सकता है। नंबर 10 और नंबर 7 ए के वर्सेस पी एस। लेकिन पी एस के बाद लूट होगी ना, मेरा नहीं ख्याल। वो सेंटोसा चाट के आए हैं, ठीक है ना, जो सेंटोसा चाट के आते वो बेचते हैं और अगर मजल तब होता है। पाल सेन को पता ही नहीं यार इधर बंदे बैठे हुए, शूटिंग भी स्टार्ट नहीं करी उधर। नंबर 10 ने भी एक वाले ने भी शूटिंग स्टार्ट नहीं करी। लो भाई वो तो आराम से उन्हें दिख गए हैं, वो पोजीशन बना रहे हैं अपने। नहीं नहीं शूट नहीं करा भाई, किसी को नहीं खेल रहा, जाने दो हम अमन चाहते हैं। हाँ वही तो पोजीशन बना रहे थे, इसको फाइट होगी तभी। ये देखा है वो खुद ही नहीं मार रहे, कोई दिमाग में प्लान चल रहा है। अब नंबर 4 और 5 की अगर अंदर जाती है, नंबर 4 के योटो के साथ अगर फट चलता है तो योटो वाले थोड़े से एडवांटेज पाए, बस वो लोग ऊपर है। लेकिन योटो के लूटा जैसे पाक सेंगे, पाक सेंगे बंदे जाना शुरू हो गए ऊपर मेरे ख्याल से। लेकिन पाक कर लो भाई, ये लोग और आगे निकले, अब इन सबका इंटरनेट चला गया, सीधे चली जा रहे हैं लोग लाइव वाइज। जिसको देखो एक जगह से वो देख लास्ट रैकेट, वो भी सीधे सीधे जाए जा रहे हैं यार। चेक करो क्या होता है अभी। लेकिन अभी जो चल रहा है ना ये एक दूसरे में घुसे, क्या सुन रहा हूँ, तीन विकेट गिर गई है बीके की। बीके की टीम लास्ट मैन बचा है, बंदा वो कैसे नहीं खेल रहा है। बीके आर्मी चेक डाउन, एलिमिनेट हो गए भाई। बीके का स्क्वाड यहां पे हो गया खत्म, लास्ट बंदा था वो फिनिश। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, 9वें नंबर पे एलिमिनेट हुए, नेक्स्ट मैच में बहुत फखर है, बहुत फखर है भाई। 12वें पे हुए हो गए, क्या बात है, अच्छा लड़े हैं। अबे क्या लड़े, बीके आर्मी कोई नहीं, नेक्स्ट मैच है यार। या टेंशन हो गया, 5 किल चौथा तीसरा पोजीशन भी हो गए ना, क्वालीफाई हो। 5 किल है, 5 किल अगर नेक्स्ट में करके चौथी पोजीशन में ले लो ना, क्वालीफाई हो जाओ। चलो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। भाई अभी मेला सजेगा ना, वो मिल पे फैक्ट्री पे सजने वाला है, क्योंकि अभी 007 AK-47 और यूटो तीनों इधर ही हैं। और पीछे से सेज़न इनको कर रहा है पुश, 007 वालों को ये भी फैक्ट्री में बढ़ेंगे, सब फैक्ट्री के आसपास। और अभी सब एक दूसरे को बस इतना काफी है।
चलो भाई वाले भी नीचे उतर रहे हैं लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे भाई AK-47 वाले राइट हैंड 007 वाले सेंटर में घूम रहे हैं योटो वाले क्या सीन है यार अगर इसी टाइम योटो वाले और वो एक साथ रश कर देना तो ओ भाई टावर वालों को ऐसे मारने में फायदा नहीं है लेकिन हेड बहुत गंदा डम डाउन वो भाई योटो वालों की हेल्थ में डाउन कोई नहीं हुआ सारा गेम डिपेंड करेगा ना वो AK-47 पे अगर AK-47 वहां पे योटो पे रश करता है योटो हो जाए फिनिश दो साइड से नहीं संभाल पाएंगे योटो वाले मुश्किल हो जाएगी ओ भाई एक बंदा वहां पे डाउन करा हुआ है 007 टाइम फिनिश होगा नहीं होगा चलो भाई नेक्स्ट जोन भी पाक शाहीन नेक्स्ट जोन के अंदर अभी जो इन है वो सिर्फ पाक शाहीन है बाकी कोई भी स्क्वाड नेक्स्ट जोन में नहीं है अभी तक 35 बंदे अलावे हैं 8 टीम जिंदे और बंदे को बचाने जा रहे हैं पहुंच भी गए और बंदा बच भी गया भाई 007 का स्क्वाड अभी भी मैच में इन है यानी कि मजा आएगा ओ भाई योटो वालों पे रन कर दिया यहां पे 47 ने योटो वालों का एक बंदा हो गया डाउन 007 का योटो का एक गया दूसरा गया तीसरा गया एक बंदा बचा हुआ योटो का एक बंदा 1v2 है ग्रेनेड काम कर सकता है यहां पे अगर कंटेनर के पीछे फेंक के तो हेल्थ नहीं है कम है काफी यार अब मुश्किल है आओ जो तो यहाँ पे हो गया खत्म न्यू क्लीडर हमारा किंग्स जबरदस्त हो गया भाई यहाँ पे और यहाँ पे भाई 007 की टीएफ वालों से हो गए फाइट स्टार और सब फाइट में गड़बड़ कर रहे हैं वो पाक सही तो सबको मार रहे हैं यानी कि ना ओवरऑल पूरे 360 पूरे मैप में मारने लगे हैं लोग टावर में लगे आराम से टीएफ वालों का पूरा स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट है न्यू क्लीडर है भाई 007 अभी भी दीवार में छुपे हुए हैं भाई लेकिन अब जो गेम में ट्विस्ट आएगा ना वो जब पाक सही टावर से उतरेगी तब आएगा ट्विस्ट और नंबर 2 का एक बंदा नंबर 6 के जो बंदे हैं वो जोन में और पाक सेन वाले कुछ कर ही जा रहे हैं कुछ कर ही जा रहे हैं कर ही जा रहे हैं कर ही जा रहे हैं राइडर ऑफ एंपायर अकेला बचा हुआ है राइडर ऑफ एंपायर ऑलरेडी 3 किल है लेकिन मुझे तो बंदा उसको वो भी अकेला परेशान जिसने 3 किल किए है ना ये मेरा भाई है अच्छा क्या बात है भाई राइडर ऑफ एंपायर एलिमिनेट किलिंग स्प्री क्या बात है 5 किल करके डीएम यार इस बंदे को मैं लाइक नहीं दे सकता 3 टैग लाइक दे सकता है मैं खुद नेक्स्ट मैच में भाई को जाने जाए तो पास करो यहां पे कितना पड़ेगा 10 सब जाने ना जाओ जब नाम बंद कर पास नहीं पाक शाहीन भाई जोन का फायदा टीम वाले को उठा सकते हैं बाकी कुछ नहीं और कोई नहीं अगर एक हेड लग जाता तो शायद फायदा हो जाता लेकिन अभी 3 वर्सेस 1 किलिंग स्प्रे कुछ हो सकता है अगर M79 का गेम चेंज हो सकता है लेकिन अगला बंदा खतरनाक है 5 किल कर चुका है भाई मेरे को इसकी गेम का बिल्कुल अंदाजा नहीं है टीम वाले का ये कुछ भी कर सकता है यहां पर M79 रखा हुआ है अभी निकाल के दो ठोके नहीं भाई M79 अगर कम हो गया लो भाई डीएम ओबे एक बंदा डाउन करके पास में जबरदस्त वेल प्लेड दो बंदे डाउन करके क्या बात है यार ओबे भाई भाई ग्रेट जॉब लड़के ग्रेट जॉब यार जबरदस्त नंबर के नुकसान पे अपनी एफ के 3 वर्सेस 4 लड़ना है इनको भाई डीएम रागा पूरा नाम आ गया रागा स्क्रम से लो भाई एक और बंदा डीएम पे डाउन हो गया जो उसने मुंडी निकालने टावर बोले तो मुंडी निकालो तो मुंडी गयो अब एक बंदे को भागना है और दूसरे को भी भागना है भाग गया वो दूसरा ये सही सीन है वैसे जब तक 3 दिन है तो साथ साथ है 4 दिन है साथ साथ है जब खत्म तो भागो अपने अपना जान है तो जान लो भाई शार्ट हो गए डीएम वाले एक दफा जीत दो बॉडी तो रेडी अब मस्त है डीएम वालों की टाइट लूट हो जाएगी यहाँ पे और अब डीएम वाले टाइट फाइट दे सकते हैं डीएम मास्टर चलो भाई कंफर्म हो गया कोई भी नहीं यहाँ पर आफ्ताब ने किल करा एक आफ्ताब ने किल करा और एक दूसरा ने दो बाउंड्रियाँ बनी यहाँ पर भाई पाक सेन को फर्स्ट में ही एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे सबसे पहले 8 नंबर पर उड़ा दिया ऑलरेडी 8 टीम साइन की और 8 नंबर पर पाक सेन ये मैच बुझा करा लेकिन क्वालीफाइड हो जाएगा नुस्कान दवाई बदल गई दो दफा नुकसान नुकसान जो है ना बोला चाहता था बार बार नुकसान नुकसान निकलना मेहरबान बेग इज वाचिंग थैंक्स फॉर मेहरबान ब्रदर फॉर वाचिंग आवर शो हां मशीन गन उठाई में बुलेट दिख गई क्या बात है जबरदस्त हो गया थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग स्पाइडर गन प्रेजेंट पाकिस्तान सुपर लीग या प्रो लीग जो बोलना है यार आज से कर देते हैं लोग बच सकते हैं कि दो बंदे मिलकर मार देंगे यार लो भाई 007 ऊपर दरख्तों तक आ गई पहाड़ी पे भी चढ़ गई और वहां से अगर अब नंबर 5 पे स्क्वाड आता है कंटेनर से तो फाइट का मजा आ जाएगा यार लो भाई पास ली या पास रेंज का पूरा स्क्वाड किया और 007 एक दफा डिग गया और भाई हेडशॉट दे दिया भाई गिर रेट हो गया आते साथ दो ग्लू वॉल लगाई लकी भाई बचा लिया है ग्रेनेड पहुंचा ही नहीं पर ग्लू वॉल लगा लिया वहां पे और भाई 007 बाकी डाउन कर दिया रॉब भाई राइडर पर क्या देख रहा हूं मैं 3 बंदे बचा लिए भाई उन्होंने एक डाउन करा दिया एक और आया रश करने को केओ केओ क्या बात है एक डाउन 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 दो डाउन है यार भाई बोलो बार बार थोड़ा हील कर रहे हैं बीच में लो भाई 3-0 सेकंड पूरी एलिमिनेट कर दिया और भाई राजा कितने बंदे बचे बहुत कमाल भाई बहुत कमाल बहुत कमाल खेला राजा वंपायर वाले बच्चे कितने वाले दो बचे नंबर 2 वाले ने फैसलाबादी सुभान को शूट करा काफी हद तक नुस्कान सलमान सिद्दीकी अभी आवाज क्या बात है भाई क्या बात है और ज्यादा स्ट्रीम खत्म नहीं होने इस वाले लव को लेके बैठ गया तुम सारे चलो चलो हाय हाय क्या बोल दिया रे अब डाल तूने अब अगली स्ट्रीम में भी सब याद दिलाते हैं 21 का डैमेज अभी डैमेज पड़ा है बिल्कुल 20 सेकंड रुक रहा है लो भाई यहां पे ये दोनों स्क्वाड लड़ पड़े 2 स्क्वाड 2 और 3 डीएम डीएम वर्सेस फैसलाबादी फैसलाबादी का एक बंदा एके को ठोकने लगा हुआ है शायद वो राजा वंपायर बंदे को बचाने में मदद कर सकता है
अभी तक गेम के अंदर इन है वो अलोन फैसलाबाद किंग फैसलाबाद किंग तो गया होगा और भाई अभी फैसलाबाद का एक बंदा डीएम पूरे स्पॉट से लड़ते हुए डीएम का बंदा डाउन कर दिया फैसलाबाद यहां पे एलिमिनेट हो गए और पे और राइज एंपायर और स्टेप आगे बढ़ते हुए थर्ड पोजीशन भी गेट चुका है और चार बंदे लाइव हैं और भाई अभी यहां पे डीएम डीएम का बुआ होने वाला है आई सी लेकिन M7N है गेम के अंदर न्यू किल लीडर के बारे में मैंने नहीं हो सकता नहीं दूसरा बंदा भी बोल चुका है मैंने सही यूज करना नहीं यार कोई लग रहा है यूज कर पा रहा है नो हां यार ये सारे हां मैं गोले फेंक रहा था बोले तो मुंह पर डाउन गई ना नो भाई डीएम जान जाने रख कर दिया जान पे डाउन कर दिया यार जान डाउन हो गया जान का किल ले जा 20 पॉइंट मिलेंगे हां लैंडिंग को ले ले ब्रेक कोई बात नहीं हमारा किंग्स मिनट हो गए खत्म और डीएम के दो बंदे बचे